मंगल रात के आसमान में एक लाल बिंदी की तरह सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। यह विशाल ज्वालामुखियों और बड़ी बड़ी घाटियों वाला एक अद्भुत सुंदरता का ग्रह है। लेकिन क्या यह कभी हमारा घर बन सकता है? यह विचार साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक मंगल को रहने लायक दुनिया में बदलने यानी टेराफॉर्मिंग की संभावना तलाश रहे हैं। आज की स्थिति में मंगल एक कठोर और निर्दयी जगह है। औसत तापमान -80 डिग्री फारेनहाइट जितना ठंडा है। वायुमंडल पतला है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो इसे मनुष्यों के लिए सांस लेने लायक नहीं बनाता। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे ग्रह की जीवनदायिनी पानी सतह पर मौजूद नहीं है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद मंगल को टेराफॉर्म करने का सपना बना हुआ है। लाल ग्रह में एक आकर्षण है, सितारों के बीच मानवता के लिए एक दूसरे घर का वादा। चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन संभावित पुरस्कार और भी बड़े हैं। हमारी सभ्यता का विस्तार करने और पृथ्वी से परे हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का मौका। मंगल को टेराफॉर्म करना एक बहुत बड़ा काम है, जो जटिलताओं से भरा है। पहली बाधा सांस लेने लायक वातावरण बनाना है। वर्तमान में मंगल का वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से पतला है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो मनुष्यों के लिए जहरीला है। हमें वातावरण को गाढ़ा करने और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदलने का तरीका खोजना होगा। एक और बड़ी चुनौती ग्रह को गर्म करना है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण मंगल पृथ्वी की तुलना में काफी ठंडा है। तापमान बढ़ाने के लिए मंगल के वातावरण में अधिक सौर ऊर्जा को रोकने के तरीके खोजने होंगे, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा। अंत में एक स्थिर जल चक्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए पानी आवश्यक है, और जबकि मंगल पर पानी की बर्फ के प्रमाण है, हमें इसे पिघलाने और पृथ्वी के समान एक स्थायी जल चक्र बनाने का तरीका खोजना होगा। मंगल को टेराफॉर्म करने का एक नया तरीका ग्रह पर पहले से मौजूद संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है। वैज्ञानिक विशेष धूल कणों को बनाने की संभावना की जांच कर रहे हैं, जिन्हें मंगल की सतह पर फैलाया जा सकता है। इन कणों को सतह को काला करने, अधिक धूप सोखने और ग्रह के तापमान को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये कण लोहे या एल्यूमिनियम जैसी सामग्रियों से बने हो सकते हैं, जो मंगल पर अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है। इन कणों को रणनीतिक रूप से वितरित करके हम संभावित रूप से एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव को ट्रिगर कर सकते हैं, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघला सकते हैं और फंसी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ सकते हैं, इसे और गाढ़ा कर सकते हैं और वार्मिंग प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। भाग 4, मंगल पर आईना। मंगल को गर्म करने के लिए एक और दिलचस्प अवधारणा में विशाल कक्षीय दर्पण शामिल है। अंतरिक्ष में रणनीतिक रूप से स्थित ये दर्पण मंगल की सतह के विशिष्ट क्षेत्रों पर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेंगे, जिससे लक्षित ताप प्रदान होगा। इस केंद्रित ऊर्जा का उपयोग बर्फ की टोपियों को पिघलाने, विशिष्ट क्षेत्रों को गर्म करने या भविष्य की मंगल ग्रह की बस्तियों को बिजली देने के लिए भी किया जा सकता है। जबकि इस तरह की विशाल संरचनाओं के निर्माण और परिनियोजन की तकनीकी चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। कक्षीय दर्पण मंगल की जलवायु में हेरफेर करने के लिए एक सटीक और नियंत्रित विधि प्रदान करते हैं, जिससे हमें टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया को ठीक करने की अनुमति मिलती है। भाग 5, लाल ग्रह पर एक भविष्य। मंगल को टेराफॉर्म करने की संभावना मानव सरलता और अन्वेषण के हमारे अथक प्रयास का प्रमाण है। जबकि चुनौतियां निर्विवाद हैं, उन्हें दूर करने की हमारी क्षमता भी है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें, जहां मंगल अब एक ठंडी बंजर दुनिया नहीं, बल्कि जीवन से भरपूर एक जीवंत ग्रह है। कल्पना कीजिए कि विशाल जंगल मंगल के मैदानों में फैले हुए हैं, रात के आकाश में दो चांद को दर्शाती क्रिस्टलीय झीलें और मानव गतिविधियों से गुलजार फलते फूलते शहर। ये वह भविष्य है जो टेराफॉर्मिंग प्रदान करता है। एक ऐसा भविष्य जहां मानवता एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाती है, पृथ्वी से परे हमारी पहुंच का विस्तार करती है और सितारों के बीच अपना स्थान सुरक्षित करती है।